नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ICT अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम आप लोग के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल रिलेटेड एक नया वीडियो लेके आया हूँ। जहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे NSP में अभी स्टूडेंट के साथ और एक नया प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हुआ? अभी कुछ दिन से स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि स्टूडेंट का प्रोफाइल लॉगिन ही नहीं हो रहा। जैसे स्टूडेंट लॉगिन कर रहा है तो लॉगिन में 504 गेटवे टाइम आउट बता रहा। तो कुछ स्टूडेंट का हम ट्राई किए हैं तो उसका लॉगिन हो गया, कुछ स्टूडेंट का ट्राई किया तो लॉगिन नहीं हुआ। तो किसका लॉगिन हुआ, किसका लॉगिन नहीं हो रहा, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में जानेंगे। देख सकते हैं एक स्टूडेंट का यहाँ पर ट्राई कर रहा है, दो चार स्टूडेंट का और ट्राई कर रहा है तो 504 गेटवे टाइम आउट बता रहा। वहीं पर और एक स्टूडेंट का ट्राई किए हैं तो देख सकते हैं अभी डेट एंड टाइम आज का अभी जब वीडियो बना रहा उसका, तो इस स्टूडेंट का लॉगिन हो गया। तो अगर आपके साथ इस प्रकार प्रॉब्लम कर रहा, आप NSP अप्लाई किए हैं, लॉगिन कर रहे हैं, तब का अगर प्रोफाइल लॉगिन नहीं हो पा रहा तो क्या प्रॉब्लम है, कब तक सॉल्व हो जाएगा और किसका प्रोफाइल लॉगिन हो रहा किसका नहीं हो रहा, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में जानेंगे। तो अगर आप लोग NSP अप्लाई किए हैं तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हमेशा स्कॉलरशिप रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक स्टूडेंट का हम यहाँ पर लॉगिन करके आप लोगों के सामने दिखाते हैं। देख सकते हैं फ्रेश 2021 यहाँ पर लिख क्लिक लॉगिन। स्टूडेंट का हम ID यहाँ पर कॉपी करके रखें, पेस्ट कर दिए। मेरा कंप्यूटर में सबका पासवर्ड सेव है तो यहाँ पर क्लिक कर दिए, पासवर्ड आ गया। अभी जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करते हैं। आप लोगों के सामने लाइव इस स्टूडेंट का हम लॉगिन करने का कोशिश करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे लॉगिन कर रहे हैं तो इसी प्रकार बताएगा। देख सकते हैं यहाँ पर अभी लॉगिन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं घूम रहा है, तो ये लॉगिन नहीं होगा, 504 गेटवे टाइम आउट बता देगा, ठीक है। थोड़ा देर के बाद हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं तीन टैब खुला हुआ, यहाँ पर टाइमिंग भी डेट भी आप लोग देख सकते हैं, 4:58 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इस स्टूडेंट का देख सकते हैं लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पर लॉगिन नहीं हो रहा। वहीं पर दूसरा स्टूडेंट का हम लॉगिन करेंगे अभी तो लॉगिन हो जाएगा। तो वो कौन सा स्टूडेंट है, अभी आपका क्यों नहीं लॉगिन हो रहा, कब तक आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कैसे सॉल्व करना है, इस वीडियो में बता रहा है, ठीक है। उससे पहले आप लोग को स्कॉलरशिप रिलेटेड नया नया अपडेट और प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानने के लिए गूगल पर आप लिखिएगा scholarshiphelp.in। देख सकते हैं ये वेबसाइट है scholarshiphelp.in, स्टूडेंट हेल्प डेस्क, स्कॉलरशिप अपडेट एंड अदर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप लोग NSP का पेमेंट का स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं, 3 डॉट मिलेगा NSP पेमेंट स्टेटस, मोबाइल से 3 डॉट मिलेगा और यहाँ पर कंप्यूटर पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट किसी का भी एप्लीकेशन नंबर और अकाउंट नंबर से पेमेंट का स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं NSP का। और नया नया स्कॉलरशिप रिलेटेड जानकारी चाहिए तो यहाँ पर स्कॉलरशिप में आएंगे, NSP स्कॉलरशिप, कल्याण बॉडी फॉर स्टडी स्कॉलरशिप। तो आप लोगों को जो भी नया स्कॉलरशिप अपडेट आएगा, जो भी नया नया स्कॉलरशिप आएगा, इस वेबसाइट में आप लोग को मिल जाएगा। देख सकते हैं जो भी नया स्कॉलरशिप आया है, जो भी स्कॉलरशिप अभी चल रहा है, जैसे HDFC चल रहा, कीप इंडिया चल रहा, MI एक्सपायर कर गया, और भी यहाँ पर दूसरा स्कॉलरशिप चल रहा, उसका अपडेट आप लोग को इस वेबसाइट में मिल जाएगा। अभी बात करते हैं, देख सकते हैं इस स्टूडेंट का भी बता दिया जिसका लॉगिन किए 504 गेटवे टाइम आउट, मतलब इस स्टूडेंट का लॉगिन नहीं हो रहा। फिर दोबारा हम NSP का होम पेज को ओपन करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अभी स्टूडेंट का लॉगिन नहीं हुआ। अभी कौन सा स्टूडेंट का लॉगिन हो रहा और क्या प्रॉब्लम है जिसका लॉगिन नहीं हो रहा, बात करते हैं। लॉगिन में जाते हैं, फ्रेश लॉगिन हम लिए थे पिछले बार तो स्टूडेंट का लॉगिन नहीं हुआ। अभी हम दोबारा होम पेज पर आते हैं और यहाँ पर लॉगिन में आते हैं और रिन्यूअल को लेते हैं, तो रिन्यूअल में देखते हैं कि क्या हो रहा। 1229 इसका कैप्चा ले लिए और यहाँ पर लॉगिन कर दिए। तो देख सकते हैं जैसे ही स्टूडेंट का हम न्यू पे लिए तो लॉगिन नहीं हो रहा, लेकिन जैसे हम रिन्यूअल वाला स्टूडेंट का लिए तो स्टूडेंट का डाटा लॉगिन हो गया, प्रोफाइल लॉगिन हो गया। इस स्टूडेंट का देख सकते हैं अभी यहाँ पर NS हो कर रहा, टोकन नंबर नहीं मिला, मिल जाएगा। बैंक स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग शो कर रहा, पेंडिंग जो जल्दी इसका सॉल्व हो जाएगा, मतलब बैंक अकाउंट वैलिडेट हो जाएगा, तो अकाउंट को अपडेट करके रखने का दे रही है, मतलब अकाउंट जैसे कि बैंक अकाउंट बंद ना रहा, ठीक है। तो देख सकते हैं एक स्टूडेंट का लॉगिन हो गया अभी आपके सामने, एक स्टूडेंट का लॉगिन नहीं हुआ इस प्रकार बता रहा। मतलब जो स्टूडेंट न्यू अप्लाई किए, न्यू रजिस्ट्रेशन किए, न्यू स्टूडेंट जो NSP में इस बार फॉर्म अप्लाई किए, वो स्टूडेंट अपना फॉर्म को अभी लॉगिन नहीं कर पा रहा, क्योंकि फ्रेश लॉगिन में कुछ प्रॉब्लम है, सर्वर का ये प्रॉब्लम है जो कि कुछ दिन में आप लोग का ठीक हो जाएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट रिन्यूअल किए उसका रिन्यूअल लॉगिन हो जा रहा। तो आप लोग अपना स्टेटस को चेक करने के लिए गूगल पे लिखिए scholarshiphelp.in और इस तरह का वेबसाइट में आएंगे और यहाँ पर NSP पेमेंट स्टेटस में आइए। उसके बाद अगर मोबाइल से खोल रहे हैं तो 3 डॉट मिलेगा, वहाँ पर आके आप लोग को मिलेगा स्टेटस एप्लीकेशन नंबर से चेक करने का। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आप अपना एप्लीकेशन नंबर को फिलअप करेंगे और यहाँ पर आप लोग अपना जो भी कैप्चा यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस कैप्चा को यहाँ पर लिखना है और सर्च करना।
जैसे सर्च करेंगे तो आपका डाटा यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। देख सकते हैं इस स्टूडेंट का पेमेंट अभी अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी सोकर, आपका जहाँ भी सोकर अंडर प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री एजेंसी पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी जो भी है उसका यहाँ पर आप लोग का शो कर जाएगा। कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मेरा ओल्ड वीडियोस देखिए, आपका हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आप दूसरे वीडियो पर।